जी फोर्थ क्लास। तो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं आगे, द हिमालयास। द साउथर्न रेंज इन रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट इन द इज द सिवालिक्स और सब हिमालयास। दिस माउंटेन्स राइज टू अ हाइट ऑफ 600 to 1200 meters अबव सी लेवल। इसका मतलब ये है कि हमारी जो साउथर्न रेंज है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में, उसको सब हिमालयास भी कहा जाता है, और वहाँ पे जो पहाड़ हैं वो 600 to 1200 meters तक ऊंचे हैं सी लेवल। हम जो ये अपनी हाइट मेजर करते हैं ना, ये सतह मुर्तफा से समुंदर के लेवल से मेजर करते हैं कि समुंदर के लेवल से कितने ऊंचे हैं वो माउंटेन्स। द लेजर हिमालयास, एक और अब आगे उसकी डिस्क्रिप्शन है। लेजर हिमालयास फर्दर नॉर्थ आर बिटवीन 1800 and 4600 meters हाई। यानी जब हम आगे मजीद नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे पहाड़ों की जो हाइट है वो 1800 से लेकर 1400 मीटर्स तक चली जाती है। इन दीज माउंटेन्स देर आर सम ब्यूटिफुल प्लेसेस टू विजिट सच एज मरी नथिया गली एंड घोड़ा गली। अच्छा, आप में से बहुत से बच्चों ने मरी नथिया गली घोड़ा गली विजिट किया हुआ होगा। तो जब हम आगे नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो ये खूबसूरत सी प्लेसेस हैं जहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं। Some of the highest mountains in the north form part of the Great Himalayas. अब जब उससे आगे चलते हैं तो जो एक्चुअली हिमालय है जो हाईएस्ट पार्ट है वो शुरू हो जाता है, विच आर ओवर 4600 meter हाई। दीज माउंटेन्स विच ग्लेशियर्स एंड स्नोई पीक्स आर इन कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट। नांगा पर्वत, नांगा पर्वत की जो हाइट है वो 8126 meters है इन द हिमालय रेंज। इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। यानी जब हम और आगे जाएं तो फिर हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ शुरू हो जाते हैं जिनकी हाइट 46 meter से स्टार्ट होती है, और वहाँ पे पहाड़ों में ग्लेशियर्स हैं। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि कितने बच्चों को पता है कि ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर बेसिकली पहाड़ का वो हिस्सा होता है जहाँ पर 24 आवर्स पूरा साल और हमेशा से बर्फ़ जमी हुई है, वो बर्फ़ कभी नहीं पिघली, और वो ऊपर और स्नो फॉलिंग हो जाती है और बर्फ़ जम जाती है। यानी वो ग्लेशियर्स हैं वो सख्त जमी हुई बर्फ़ है। और इसके अलावा स्नोई पीक्स, स्नोई पीक्स का मतलब है कि जो पहाड़ों की चोटियाँ हैं ना वहाँ पर हमेशा स्नो रहती है। और कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट में ये है, और इसमें नांगा पर्वत भी शामिल है। नांगा पर्वत एक बहुत मशहूर हाई पीक है हमारी, और उसकी जो हाइट है वो 8126 meters है। हिमालयस के बाद हम जाते हैं कराकरम माउंटेन्स की तरफ। अब दिस रेंज इज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। यानी ये पाकिस्तान का जो बिल्कुल नॉर्दर्न एरिया है ना, एक्सट्रीम नॉर्थ है, ये वहाँ पर मौजूद है। द माउंटेन्स rise to an average height of 6100 meters। यानी यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं उनकी जो एवरेज हाइट है वो 61 meters है। माउंट गोडविन ऑस्टन, जिसे K2 कहा जाता है। K2 आपने अक्सर सुना होगा ना, कभी सुना है कभी पढ़ा होगा कि K2 की चोटी सर करने के लिए जा रहे हैं। K2 का पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, उसकी जो हाइट है वो 8611 meters है। इज़ द सेकेंड हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में ये सेकेंड हाइस्ट पीक है। देर आर ग्लेशियर्स, अब ऑब्वियसली इतनी हाइट है वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्नो रहती है, इतनी ज़्यादा सर्दी है, तो बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं। टू गेट फ्राम द प्लेस टू एन अदर प्लेस पीपल हैव टू गो थ्रू सम ऑफ द हाइस्ट पासिस इन द वर्ल्ड। अच्छा, वहाँ पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दुनिया के बहुत ऊंचे ऊंचे रास्ते जो बने हुए हैं उनसे गुजरना पड़ता है। द कराकोरम पास इज एट द हाईएस्ट ऑफ 5575 meters। जो कराकोरम पास है, यानी कराकोरम पास बेसिकली गुजरने का रास्ता है, उसकी जो हाइट है वो 5575 meters है। तो आप सोचें वो कितनी ज़्यादा ऊंचाई पर है। द सेकेंड हाइस्ट पास इज़ द खुंजराब पास। खुंजराब पास भी एक बहुत मशहूर पास है, और एट द हाइट ऑफ 4693 meters। द कराकोरम हाईवे नोज एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड।
दुनिया का आठवां अजूबा, जो कराकोरम हाईवे बनी हुई है ना, उसको दुनिया का आठवां अजूबा कहते हैं। दुनिया का आठवां अजूबा उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इतनी हाइट पर, इतनी ऊंचाई पर पहाड़ों को काट के रास्ता बनाना कोई आसान काम नहीं था, तो मुमकिन ही नहीं था। तो जब इस नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और जब ये रास्ता बन गया, तो फिर इसे दुनिया का आठवां अजूबा कहा गया। दिस हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड चाइना, और ये जो हाईवे है ये पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है। और खुंजराब पास में इस वक्त भी मौसम ऐसा है कि वहाँ पे स्नो फॉलिंग हो रही है, इंतहाई शदीद ठंडा मौसम है वहाँ पे, उसको चाइना बॉर्डर भी कहा जाता है और लोग इतनी दूर ट्रैवल करके जाते हैं चाइना बॉर्डर को देखने के लिए। तो अब आप ये देखें, मैं आपको कुछ पिक्स दिखाती हूँ, ये आपकी बुक में मौजूद हैं। ये जो है ये त्रिचमेर पीक इन द हिंदू कश है, और ये है व्यू ऑफ कराकोरम माउंटेन। अब ये देखें कराकोरम माउंटेन का व्यू कितना खूबसूरत है। अच्छा, अब कराकोरम माउंटेन के बाद फिर हम आते हैं द हिंदू कश। हिंदू कश एक कोई हिंदू कश का सिलसिला है पूरा, जो पाकिस्तान में मौजूद है। इन द वेस्ट द माउंटेन टर्न साउथवर्ड, दे आर द हिंदू कश माउंटेन्स। यहाँ पे हिंदू कश माउंटेन्स हैं, दे फॉर्म द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स बनाते हैं। टू हाई पीक्स आर देयर, त्रिचमेर, ये इसकी जो हाइट है ये 7,690 मीटर्स है, एंड नौशाद, इसकी जो हाइट है ये 7,484 मीटर्स है। अ नंबर ऑफ पासेस कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान, बट दे आर डिफिकल्ट टू ट्रेवल थ्रू। अब बहुत सारे पासेस हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाते हैं, मगर उनके ज़रिए सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो लवारी पास, जो लवारी पास है 3,188 मीटर्स पे है।